देश के कई हिस्सों में बदलता जनसांख्यिकीय स्वरूप और हिंदू जनसंख्या की घटती वृद्धि दर को संघ कैसे देखता है? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए? 50 साल बाद भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या होगी? जनसंख्या से क्या विकास प्रभावित हो रहा है? संघ इसे कैसे देखता है? संघ का इसके बारे में प्रस्ताव है, उसी का वर्णन मैं करता हूं। जनसंख्या का विचार जैसे एक बोझ के रूप में होता है, क्योंकि मुंह बढ़ेंगे तो खाने को देना पड़ेगा, रहने को जगह देनी पड़ेगी, पर्यावरण का उपयोग ज्यादा होगा तो है, लेकिन जनसंख्या काम करने वाले हाथ भी देती है। अभी भारत तरुणों का देश है, 56% शायद तरुण है, और हमको बड़ा गर्व है, दुनिया में सर्वाधिक तरुण देश भारत है। 30 साल के बाद यही तरुण बूढ़े हो जाएंगे, तब इनसे ज्यादा तरुणों की संख्या नहीं होगी तो भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा, जैसे आज चीन का हुआ है। इसलिए जनसंख्या का विचार दोनों दृष्टि से करना चाहिए, और तात्कालिक नहीं, एक 50 साल का प्रोजेक्शन मन में लाकर ये सोचना चाहिए कि तब कितने लोगों को खिलाने की हमारी क्षमता होगी, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, ये जो गृहस्थ की आवश्यकताएं छह रहती है, उसको देने की क्षमता हमारी क्या होगी, उस समय का भार अपना पर्यावरण कितना वहन कर सकेगा, कितनी उसकी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, उस समय ये सारा करने के लिए काम करने वाले हाथ हमको कितने चाहिए। और जनसंख्या चर्चा तो हम सब करते हैं, जन्म देने का काम माताओं को करना पड़ता है, तो वो माता हमारी कितनी सक्षम है, कितनी प्रबुद्ध है, कितनी स्वतंत्र है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था उसके हाथ में कितनी है, ये सारा विचार करते हुए। और एक महत्व की बात दूसरे प्रश्न में जो पहले प्रश्न में ही आई है, डेमोग्राफिक बैलेंस। अब हम इसको माने न माने, ये महत्व की चीज तो सब जगह मानी जाती है, इसकी बात न करने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो भी इसका महत्व तो समझते हैं, तो डेमोग्राफिक बैलेंस भी रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर एक जनसंख्या के बारे में नीति हो, अभी नीति है 2.1 संतान का वो पुरस्कार करती है, लेकिन फिर एक बार देखा जाए ये सारे अंग उसमें विचारित है कि नहीं, सुविचारित है कि नहीं, अगले 50 साल तक की स्थिति की कल्पना हुई कि नहीं, और वो नीति बने, और उस नीति में जो तय होता है वो सब पर समान रूप से लागू किया जाए, किसी को उसमें से छुट्टी ना हो। जहां समस्या है वहां पहले उपाय हो, यानी जहां बच्चों को पालन करने की क्षमता नहीं है लेकिन बहुत बच्चे हो रहे हैं, उनकी परवरिश ठीक नहीं होगी तो अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे, वहां पहले उपाय हो। जहां ऐसा नहीं है वहां लागू तो करना है सब पर, उन पर भी, लेकिन थोड़ा बाद में किया तो भी चलेगा, लेकिन ये कानून बनाकर लागू करने से स्वीकार करेंगे लोग ऐसा नहीं है। मैं स्वयं एक साल सरकारी नौकरी में था और फैमिली प्लानिंग कैंपेन का वो पीक था, तो हम सब किसी भी डिपार्टमेंट को हमको ये काम करना पड़ता था, तब गांव-गांव में जाकर मैंने इसके लिए प्रचार किया है और देहातियों के प्रश्न सब सुने हैं। मन बनाना पड़ेगा, सबका मन बनाना पड़ेगा, धैर्य से सोचना, ठीक से सोचना, पूरा सोचना, सोचकर तय करना, जो तय किया है उसके बारे में जनता का मन बनाना और इसको समान रूप से सब पर लागू करना, ये होना चाहिए, उसके उपकार ही होंगे, फायदे ही होंगे। और इसमें और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जन्म दर की एक बात है, अब हिंदुओं का जन्म दर घट रहा है या बढ़ रहा है जो भी आप कहेंगे, इसके लिए नीति जिम्मेवार केवल नहीं रहती है, तो सोच भी रहती है। उचित सोच क्या हो परिवार में संतान, क्योंकि संतान कितनी ये केवल देश का प्रश्न नहीं, एक एक परिवार का भी प्रश्न है, तो उसका संतुलित विचार कैसे करना है, इसका भी प्रशिक्षण समाज को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे दो बातें हैं,
डेमोग्राफिक इम्बैलेंस मतांतरण के कारण भी होता है, घुसपैठ के कारण भी होता है। मतांतरण के बारे में मैं बोल चुका हूँ, घुसपैठ ये सीधा सीधा अपने देश की संप्रभुता को आह्वान देने वाला विषय है, उसका कड़ाई से बंदोबस्त होना चाहिए।